मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपके डिलीवरी हो चुकी है तो आपको कब से घी खाना स्टार्ट करना चाहिए। मोस्टली आप में से ही कुछ जो मॉमीज़ हैं जो क्वेश्चन पूछती हैं कि मैम क्या डिलीवरी के बाद घी खाना सही होता है और कब से खाना स्टार्ट करें, कितनी मात्रा में खाना स्टार्ट करें। यहाँ पर मैं आपको दोनों ही डाउट क्लियर कर दूंगी, दोनों ही डिलीवरी के बारे में। अगर आपकी नॉर्मल हुई है तब आपको कैसे खाना है, अगर आपकी सिजेरियन हुई है तब आपको कैसे खाना है, ठीक है। तो आपको दोनों ही तरीके से ये यूज़फुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो बात करते हैं घी खाने के बारे में। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो मोस्टली हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं हमको सजेस्ट करते हैं घी के लड्डू खाने के लिए। आपने सुना होगा कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाइए, घी के लड्डू खाइए, ये आपकी बॉडी को जल्दी से रिकवर करने में हेल्प करेंगे, या आप घी अच्छी तरह से खाइए, घी आपकी बॉडी को जल्दी रिकवर करेगा। ये हमारे बड़े लोगों का कहना होता है। उनकी ओपिनियन ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, आपके जोड़ों में दर्द है, आपकी हड्डियों में दर्द है, बोन्स में अगर पेन हो रहा है तो आप घी खाइए और घी खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वाकई में घी खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कोई हमारे अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है और हो सकता है कि फिर वो हम उससे छुटकारा ना पाएँ। देखिए ये तो हमारे बड़े कहते हैं, लेकिन डॉक्टर का सजेशन ये होता है कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, नो डाउट आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो कैल्शियम की कमी जो घी से हो सकती है पूरी? नहीं, बल्कि आपको और उल्टा इसका क्या होगा कि अगर आप अधिक मात्रा में घी खा रहे हैं और भर भर के घी खा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे और बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घी आप खाइए, लेकिन आपको ऐसे नहीं खाना कि आप बस उसी पर डिपेंड हो गए कि मुझे घी खाना है, इसी से मेरे जोड़ों को दर्द सही हो जाएगा, इसी से मेरे बॉडी पार्ट्स का जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरी बॉडी एकदम सही हो जाएगी। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपको घी पर ही डिपेंड नहीं रहना, बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आप खाएंगी वो आपकी बॉडी को रिकवर करेंगे, आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करेंगे, बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको कैसे कैसे घी खाना है। देखिए आपको घी नॉर्मल तरीके से खाना है। अगर आपकी नॉर्मल हुई है तब कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में जो माँ है सब कुछ खा सकती है, 7-8 दिन बाद वो आराम से जब बच्चे का नामकरण हो जाता है उसके बाद वो कुछ भी खा सकती है, ठीक है। बस यही देखना है कि आप अच्छे से पचा पा रही हो और आपका बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, उसको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा माँ खाएगी वही दूध बनेगा, दूध की क्वालिटी बनेगी और वो बच्चा पचा पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप घी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें आप थोड़ा थोड़ा डालें। ऐसा नहीं कि आप दूध पी रहे हो, दूध में भी एक दो चम्मच मिलाकर खा ली, कोई भी खाना खा रहे हो उसमें भर भर के आपने घी डाल लिया, तो ये आपको दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको नॉर्मल तरीके से ही घी खाना है। हाँ, थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने इंटरनल जो बॉडी पार्ट है जो कि दुख रहे हैं, जो डिलीवरी के बाद जिनमें कि इंजरी है, पेन है, वो आप हर तरीके के फूड खाइए। आप विटामिन लीजिए, आप कैल्शियम लीजिए, ठीक है, आप फाइबर लीजिए, तो उस वो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी पार्ट्स को ठीक करेंगी, ना कि घी, सिर्फ और सिर्फ घी आपको ठीक करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप खा सकती हैं, लेकिन इसको बैलेंस तरीके से ही खाइए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना। सी सेक्शन में क्या होता है कि थोड़ा सा डॉक्टर इसको अवॉइड करते हैं कि एकदम आपको घी नहीं खाना, इवन खाना भी रोटी वोटी भी मना करते हैं डॉक्टर, दलिया, ये दलिया के लिए थोड़ा सा आपको सजेस्ट करेंगे कि हम आप दलिया खा सकती हैं, लेकिन एकदम हैवी फूड डॉक्टर मना करते हैं, पतला पतला खाना खाने के लिए ही वो बोलती हैं, ठीक है। तो उस टाइम में अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो मैं आपको यही बोलूँगी कम से कम आपको 40 दिन तक ये अवॉइड करना है, अगर आप जल्दी से अपने स्टिचेस को ठीक करना चाहती हैं, क्योंकि सिजेरियन में डॉक्टर इन सब चीज़ों के लिए मना कर देती हैं। तो कोशिश करें कि आपको कोई एडवाइस कर रहा है कि भर भर के घी खाइए तो बिल्कुल भी मत खाइएगा, आप जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगी। आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, उसके लिए आप दूध पीजिए, उसके लिए आप दाल खाइए, दलिया खाइए, फाइबर लीजिए, विटामिन लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको लेना है, ना कि आपको सिर्फ घी पर ही डिपेंड रहना है,
ठीक है। तो ये तो आपको नॉर्मल और सिजेरियन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको लेना है। सिजेरियन में थोड़ा सा आप वेट करिए, 1-2 महीने बाद आप नॉर्मल तरीके से अच्छी तरह से घी खा सकती हैं। लेकिन आप सोचें कि मैं बच्चे का जो नामकरण हो गया 10-15 दिन बाद ही घी खाना शुरू कर दूँ, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। घी अधिक मात्रा में खाने से क्या होगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको जो कि हृदय से संबंधित आपको सांस की दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में आपको फूल सकती है, मोटापा बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये सब चीज़ रहेगी, आपको बीपी हाई रह सकता है, रक्तचाप आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं मोटापा जो घी है लेकर आता है। ठीक है, तो आपको इतना नहीं खाना है, संतुलित रूप में खाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं खाना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप बैलेंस तरीके से ले रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना, बार बार कह रही हूँ, अगर आप इसको बैलेंस तरीके से ले रही हैं, जैसे आप दाल ले रही हो तो आधा चम्मच डाल लिया, दलिया ले रही हो तो उसमें थोड़ा सा आपने डाल लिया, अपनी जो चपाती है पतली पतली उसको आपने अच्छे से उस पर लगा लिया। ठीक है, घी के लड्डू भी आप बना सकती हैं, लेकिन वो भी आपको छोटे छोटे लड्डू बनाइए और एक दिन में एक ही खाइए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि घी खाने के अपने अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। जैसे ये त्वचा के लिए अच्छा रहता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा रहता है, आपको जो कुछ भी खा रही हो उसको पचाने के लिए डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, आपकी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही साथ आपको अगर कब्ज़ की दिक्कत रह रही है, आप कुछ भी, क्योंकि डिलीवरी के बाद कब्ज़, डिलीवरी के टाइम में भी कब्ज़ की दिक्कत रहती है और डिलीवरी के बाद भी काफ़ी टाइम तक कब्ज़ रहती है, तो आप अगर घी ले रहे हो तो वो भी आपके कब्ज़ में आराम देगा, राहत देगा। साथ ही साथ घी हमारे सर दर्द, अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है या आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द बना रहता है, तो आप घी से अपने सर की मालिश भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आप सेवन कर रहे हो तो ये माइग्रेन से छुटकारा दिलाने में आपको हेल्प करेगा, लेकिन घी अच्छा होना चाहिए, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, ये आपके माइग्रेन और सर दर्द से भी आपको आराम दिलाता है। अगर आपके बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है, सूजन है, या आपके लेग्स में स्वेलिंग है, सूजन आ रखी है, तो ये उसमें भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। आप थकी थकी से महसूस कर रहे हो डिलीवरी के बाद, हमारा जो बहुत ज़्यादा बॉडी है लूज़ हो जाती है और हम हर वक्त तो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो अगर आप घी का सेवन कर रहे हैं तो ये आपकी थकान को भी दूर करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ज़्यादा खाओगे लूज मोशन हो जाएंगे, आपका फैट बढ़ जाएगा, आपको हृदय से संबंधित रोग हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो ये ज़्यादा खाने से आपको दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है आपके जो स्टिचेस हैं, आपको सिजेरियन हुआ है तो उसको ठीक होने में भी आपको दिक्कत लगे, और मोटापा हो गया तो आप फिर उसको कम करने में आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका मोटापा कम नहीं होगा। डिलीवरी के बाद बहुत सारी लेडीज़ इस चीज़ को फेस करती हैं, तो प्लीज़ इसको एक बैलेंस रूप में ही आपको खाना है। कोशिश करें, आपको डाउट हो रहा है किसी भी प्रकार से, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि आपको कितना कितना लेना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल तरीके से आप जैसे खा रही थी पहले वैसे ही खाइए, लेकिन इसको एक्सेस में मत खाइए, ये आपको नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो डियर मॉमीज, अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, और हाँ, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।